आज हम आए भाई सदर बाज़ार के अंदर, और सदर बाज़ार के अंदर आप देख रहे हो ना भाई इतनी सारी चीज़ें, मतलब ऐसी मतलब कि जो घर पे डेली यूज़ होता ना वो सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। उसके साथ अगर आप शॉपिंग करने आए हो यहाँ पे, छोले भटूरे, राजमा चावल मिक्स और हलवा, एक ऐसी चीज़ें हैं ये जो कि यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए, मस्ट ट्राई चीज़ें हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जब भी आप सदर बाज़ार आओ। तो ये देखो भाई साहब, भटूरे बनाए जा रहे हैं एकदम बढ़िया गरम गरम भटूरे। कहाँ पर आए हैं भाई? नंद दी हट्टी, जो कि काफ़ी पॉपुलर आइटम, काफ़ी पॉपुलर शॉप है अपना सदर बाज़ार के अंदर। और देसी घी डब्बा देखो सामने, बड़ा देसी घी का, और देसी घी के अंदर बनाए जाते हैं ये छोले भटूरे गरम गरम। 120 रुपये प्लेट है और 70 रुपये का सिंगल पीस है। एक प्लेट ली है टेस्ट कराने के लिए। अब देखो दूसरा भटूरा लग रहा है भैया, एकदम मज़ेदार। और ऐसी चीज़ है ये जो दिल्ली वालों के चेहरे पे, मैं कह रहा हूँ, मुस्कान आ जाती है जब छोले भटूरे या छोले कुलचे का नाम लेते हैं। छोले भटूरे तो मतलब मैं कह रहा हूँ आपने भी खाए ही होंगे, चाहे संडे हो या मंडे। मैं तो कह रहा हूँ छोले भटूरे रोज़ बंदर लोग खा ही लेते हैं, दिन नहीं देखते। और बहुत सारे पंजाबीज हैं जो सैटरडे संडे खाते हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। ये देखो भाई, अब दिखाता हूँ आपको इनके छोले बढ़िया वाले। देखो भाई ये है भाई साहब इनके छोले, और आप देख रहे हो ये कोई वो पानी वाले छोले नहीं है जो हर कोई बंदा बना देता है। ये एकदम सूखे एकदम चने हैं बढ़िया वाले, कि आप जब खाओगे ना, जब एक गराई तोड़ के, एकदम बढ़िया मसालेदार आलू हैं। आपको अगर आपको सिर्फ आलू आलू चाहिए तो आलू के साथ भी मिल जाएगी, अगर आपको सिर्फ भटूरे छोले चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और हल्की सी लगाई चटनी। और शाबाश, ये देखो बड़ा एकदम नापी हुई चीज़ है, हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से। भाई छोले भटूरे तो मैं कह रहा हूँ भाई दिल्ली वालों की ना फीलिंग्स है ये, अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा ना तो सच में दिल्ली वाला कोई बख्शेगा नहीं उसको। तो ये देखो भाई साहब छोले भटूरे आ चुके हैं भाई हमारे बढ़िया वाले। तो ये रहे हमारे भैया जी, यहाँ के ऑनर है। तो मतलब केटरिंग का भी काम है? हाँ बिल्कुल। मतलब केटरिंग का किस चीज़ का, मतलब छोले भटूरे का? अच्छा, छोले भटूरे की केटरिंग भी करते हैं। अगर आपके घर पर कोई फंक्शन है, कुछ भी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो दिल्ली के बाहर हो, आउट ऑफ इंडिया भी सर, और आउट ऑफ इंडिया भी छोले भटूरे, मतलब देसी घी का जो स्वाद है, जो छोले भटूरे जो दिल्ली का स्वाद है वो आपको कहीं भी मिल सकता है अगर आपको केटरिंग करवानी है तो। नंदी हट्टी, मैं नंबर जोन सा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो फिर डिस्क्रिप्शन पे देख लेना। लेट मी टेक अ फर्स्ट बाइट गाइस, चीयर्स। जब बाइट लो ना तो चने का टेस्ट अलग है, भटूरे का एकदम बढ़िया सॉफ्ट फुला हुआ। मानो या ना मानो आप, छोले भटूरे जोन सी चीज़ है ना वो दिल्ली वालों के लिए एक फीलिंग्स है। मैं वही कह रहा हूँ, आजकल लोग इतनी इनोवेशन करते हैं, इसको छोड़ देना बस, ये आपसे विनती है कि इसको छोड़ देना, पता लगे क्या कहते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर छोले भटूरे की सूशी भी मिल रही है, ग्रेवी भटूरे। तो बस वो काम मत करना। आपने अगर कभी ट्राई करना ना तो सदर बाज़ार आओ, नंदी हट्टी, ये रहे बोर्ड, रॉकी मयूर भाई हमारे साथ में लगे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर खाना है, और खा के बताना कि टेस्ट कैसा है। मैं इसे खाता हूँ और चलता हूँ किसी और जगह पे। तो ये देखो भाई साहब, ये है जी शॉप, और ये रहे हमारे अंकल जी। यहाँ पे मिलता क्या क्या है पहले एक बार वो पूछ लेते हैं। राजमा चावल, पालक पनीर, छोले भटूरे, मतलब और क्या क्या मिलता भैया? राजमा चावल, पालक पनीर, छोले भटूरे। अच्छा, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये बाहर लिखा हुआ है राजमा चावल पालक पनीर मिक्स, तो ये एक ही प्लेट में मिक्स कर देते हो? हाँ जी, हाँ जी, एक ही प्लेट में। तो एक प्लेट लगा देना हमारी राजमा चावल पालक पनीर मिक्स लगा दो। पहले चावल डाले बढ़िया से, और चावल भी देखो मटर वाले हैं। और ये है भाई इनका पालक पनीर, पालक पनीर क्या है ये? राजमा। और ये आ गई भाई पालक। ये एक ऐसी चीज़ है एक्चुअली में, अगर आप सदर बाज़ार आ रहे हो ना तो सदर बाज़ार में आके अगर आपको भूख लग रही है तो ये ऐसी चीज़ है। जो दुकान नंबर है वो है 232 नंबर दुकान है, और काफ़ी पॉपुलर है अपने इस राजमा चावल और पालक पनीर मिक्स के लिए। ये देखिए, ये लग चुकी है हमारी प्लेट, चम्मच लगा दिए, और अब इसको हम टेस्ट करेंगे मसाला वसाला डाल के फर्स्ट क्लास। तो ये देखो भाई साहब, प्लेट लग चुकी है हमारी बढ़िया सी, हम आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जी पालक है जी, ठीक है। जैसे पनीर तो मतलब दिया ही नहीं है यार, ये रहा पनीर, ये रहा। तो पनीर एकदम मोटा पीस है, साथ में ये राजमा है। तो बोला राजमा चावल खाने हैं तो इस तरफ से खाओ, पालक पनीर खाना है तो इस तरफ से खा लो। तो फर्स्ट लेट मी टेस्ट राजमा चावल। hmm.
जो चटनी डाली है ना भाई खट्टी, वो लाजवाब है भाई। 70 रुपये में इतना इतनी प्लेट। अरे बाबलू ये 2 बंदे की प्लेट है अभी भी। पालक पनीर टेस्ट एकदम अलग, लाइक मैं अगर बोलूँगा ना तो ओके ओके है। राजमा चावल इज़ बेटर देन पालक पनीर। अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम आओ तो राजमा चावल लेना, पालक पनीर यू कैन अवॉइड। बट अगर आपको ज़्यादा पसंद है पालक पनीर तो इट्स योर चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट पालक पनीर इज लाइक ओके ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। तो भाई आज मैं आया हूँ आपको लेकर भाई जगत हलवा एंड नमकीन पे, एक सिद्धार्थ जी की शॉप है जो कि 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं शॉप को। ये देखो भाई मिलता क्या क्या, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आ जाओ। सत श्री अकाल अंकल, ये कितने साल पुरानी दुकान है? 50 साल हो गए। देखते कितने बजे खोल रहे? सवेरे 8 सवेरे 8 तो शामी 8, तो 7 डेज ओपन रहती है। अब देखो भाई मिल क्या कह रहा है। दाल हलवा है, मूंग दाल का हलवा है भाई। ये है भाई गाजर, गाजर का हलवा। देखो भाई एक बार गाजर का हलवा ज़रा हिला के दिखाना, हिला के दिखाना गाजर का हलवा। ये देखो भाई एकदम बढ़िया खोया डाल के गाजर का हलवा बनता है सर्दियों के अंदर भाई। इससे बढ़िया चीज़ आपको और क्या मिलेगी। और ये लंबे लंबे गुलाब जामुन काले और ब्राउन, मूँग दाल का हलवा, समोसा ते कचौड़ी। तो अभी क्या खाएगा बता? कुछ भी सर, फिर भी गाजर का हलवा खाऊंगा। थोड़ा सा गाजर का हलवा दो। तो भाई गाजर का हलवा ही रहेगा। ए कितने रुपये किलो आंदा? 500 रुपये किलो। ये देखो भाई फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से ऊपर खोया और ड्राई फ्रूट्स डाल के। ए कितने का? 50 रुपये का। ये आ गया भाई 50 रुपये का। अब अभी को करवाते हैं भाई इसको टेस्ट और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। तो ये देखो भाई साहब ये कर रहा भाई अभी टेस्ट गाजर का हलवा। सर्दियों के अंदर भाप निकलता है, हाँ खाने का मजा ही अलग होता है। सही में वो भी ऐसी गलियों में आकर सुबह सुबह का माहौल और शॉपिंग पे आप आए हो और खाओगे ना जब यहाँ पर, मजा आ जाएगा भाई। छोले भटूरे खाए हैं अभी और अब खाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। अब देखते हैं इसका। बताओ लौंडा हमारा बिगड़ चुका है। किसी वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर ये हमारे को सलाद खिलाता था। बिगड़ा नहीं हूँ यहाँ पे आके ना जीप लड़खड़ा जाता है। हाँ पैर डगमगा जाते हैं, नीयत खराब हो जाती है, नीयत खराब हो जाती है भाई। हेल्दी क्यों नहीं खा पाते? समझ आया अब हम हेल्दी क्यों नहीं खा पाते? हेल्दी खा पाते लेकिन नहीं, हमेशा हेल्दी खाना चाहिए लेकिन कभी कभी ये चीज़ें चलती है। हाँ कभी ये चीज़ें चलती है। मैं अगर ये इसको खान देते हैं अंकल के पास चलते हैं। ये है भाई छोले, ये राजमा पनीर है, ये राजमा और पनीर है। अच्छा यहाँ पर ज़्यादातर लोग राजमा पनीर देते हैं ना? राजमा पालक पनीर है। हाँ राजमा पालक पनीर वो अभी हमने खाया भी था पीछे। ये देखो परफेक्ट।